एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद खिन मैं नीच कीट कौ राज पार ब्रह्म गरीब निवाज जाका दिष्ट कछु ना आवै तिस तत्काल दै दिस प्रगटावै जा को अपनी करै बख्शीश ताका लेखा न गने जगदीश जियो पिंड सब तिस की रास कट कट पूरन ब्रह्म प्रगास अपनी बणत आप बनाई नानक जीवै देख बड़ाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी दे साजे नवाजे गुरु प्यारे दर्शक सजनों, आप सब दे सहयोग असीसा शुभ इच्छावां ते सतगुरां दियां पार बख्शां द्वारा श्री सुखमनी साहब जी की लड़ीवार विचार चल रही है। ग्यारहवीं अष्टपदी की विचार चल रही है। इस अष्टपदी में सतगुरां ने उस वाहिगुरु अकाल पुरख दियां अनंत ते बेअंत शक्तियों का जिक्र किया है। उयो आप करण कारण समर्थ है ते उसे दी शक्ति सारी कायनात विच सारी सृष्टि विच वरत रही है। मनुख भी उसकी शक्ति के अधीन ही सारे कार्य करता है। तो इस पद विच खास करके पातशाह जिहड़े नीवें मनुख हन या नीवें जीव हन वह भी वाहिगुरु अकाल पुरख दे लड़ लग के उन्हां दी सिमरन भगती द्वारा किस तरह उच्चे हो सकदे और किस प्रकार ब्रेकलसली वाहिगुरु संसार विच कई नीवियां नूं उच्चा कर दिंदा, कई उच्चियां नूं नीवां कर दिंदा। उहदियां शक्तियां जिहड़ियां कि करामाती तौर ते संसार विच कम कर रहियां हन उन्हां दा पातशाह जिक्र करदे हन। सतगुरु फरमाउंदे हन, खिन मैं नीच कीट कौ राज पार ब्रह्म गरीब निवाज। खिन विच ही उहदे कोल इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि छिन्ना पलां विच ही ਉਹ ਨੀਟ ਕੀਚ ਕੋਰਾ ਨੀਵੇਂ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਰਾਓ ਰੰਗ ਕਰ ਕੋ ਕਰ ਹੀ ਰਾਓ ਰੰਗ ਕਰ ਡਾਰੈ ਰੀਤੇ ਭਰੇ ਭਰੇ ਸਖਨਾਵੈ ਯਹ ਤਾਕੋ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਖਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਤਾਵਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੀਚਿਆਂ ਨੀਚਾਂ ਨੂੰ ਊਚ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਸੋਹਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਕਰੇ ਖਿਨ ਕੀਰੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਮੀਰੇ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰਨ ਸਦਾ ਸਰਬ ਸਾਧਾਰਨ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਖਿਨ ਵੱਚ ਖਿਨ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀੜੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਗਰੀਬ ਸੀਗੇ, ਨਿਮਾਣੇ ਨਿਤਾਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਤਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਊਣੇ ਸੁਬਰ ਭਰਿਆ ਖਿਨ ਮੈਂ ਸੂਕੇ ਕੀਨੇ ਹਰਿਆ ਖਿਨ ਮੈਂ ਨਿਥਾਵੇਂ ਕੋ ਦੀਨੋ ਥਾਨੋ ਖਿਨ ਮੈਂ ਨਿਮਾਣੇ ਕੋ ਦੀਨੋ ਮਾਨੋ। ਊਣੇ ਖਾਲੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ, ਸੁਭਰ ਭਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਤਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲਬਾ ਲਬ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੁੱਕੇ ਸੜੇ ਸੀਗੇ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਸੂਕੇ ਕੀਨੇ ਹਰਿਆ, ਉਹ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸਭ ਤਰਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ,
कि उस वाहगुरु की शक्ति का कोई अंत पारावार नहीं है। जड़ा भी उसके भगतों की संतों की संगत में आ गया, सत्संगत में आ गया, वो तर गया तो उसके जीवन में ऐसी क्रिया ऐसी जो करामात वरती है कि जिस तरह सुखी लकड़ी हरी भरी हो जाए इस तरह उसका जीवन हरिया भरिया हो जाता। तो सारे जीवन का मूल स्रोत वाहिगुरु अकाल पुरख है, सत्या का शक्ति का केंद्र वाहिगुरु आप है। तो जिहड़ा भी उसके लड़ लग गया उसका जीवन उच्चा सुचा हो गया, ऐसा वाहिगुरु गरीब निवास है। जाका दृष्ट कछु नावै तिस तत्काल दै दृष्ट प्रगटावै। जड़ा कदे किसी की नज़र विच ही नहीं सी आउंदा, जड़ा बहुत ही निमाणा नेताणा जीव सीगा, उसनू बख्शिश कर दे ते तिस तत्काल दै दृष्ट प्रगटावै, उनू कृपा कर दे ते दसां पासे उनू प्रगट कर दिंदा, उदी ताकत जिहड़ी है उहदा सिक्का सारिआं नूं मनणा है। गुरु महाराज गुरु अर्जन गुरु नानक देव पातशाह दे समय बाबर ने हिंदुस्तान ते हमला कीता है और उहदा जिक्र सतगुरों ने बाणी च कीता है। बाबर बाणी दे शब्द आए हन, आसा राग विच शब्द आए हन, तो उहदे विच महाराज बाबर दी कतलो गारत वेख के उहनां दा मन बहुत पसीजिया, तो उन्होंने शब्द उचारे और उहदे विच अखीर निर्णा कीता कि वाहिगुरु वालों ही ये सारी लीला वरत रही है, जिन उपाई रंग रवाई बैठा वेखे वख अकेला, कि सारी जो एक क्रिया हो रही है उस परमेश्वर वालों ही है तो वह इसनू वेखदा पिया है। पर एक गल महाराज स्पष्ट करते हैं, सचड़ा सो साहिब सच तपावस, सचड़ा न्याय करेगा मसोला। क्यों वाहिगुरु सच है, वह सचार है, वह सच की शक्ति का मालिक है, सच की शक्ति का राखा है, तो उसका न्याय भी सच्चा होएगा। तो मैं तुहानू उसके न्याय की गल दस रहा हाँ कि उसका न्याय जरूर होएगा। जिहड़े अपराधी हैं दोखी हैं दुष्ट नूं सज़ा मिलेगी, जिहड़े उसके भगत हैं उन्हां दी रक्षा होगी। सो काया कपड़ टुक टुक होसी हिंदुस्तान संभालसी बोला, आन अठत्तर जान संतानवे होर भी उठसी मर्द का चेला। कि यह सारा देश जड़ा है एक बार बर्बाद होएगा क्योंकि इन्हां देश के लोगों को परमेश्वर भुल गया। एक शब्द महाराज इसे बाबर बाणी के शब्द कहते हैं, अगों जे दे चेती है धक्का है तो मिले सजाए। जे पहला ख्याल किया हों तो सज़ा क्यों मिलती, पर राजा महाराजा का हाल है। महाराज कहते सहां सुरत गवाई है रंग तमाशे चाहे, कि जिहड़े राजे देश दे राखे मन्ने जांदे सीगे उन्हां नूं सुरती भुल गई, अपने रंग तमाशियां विच डुब गए, ऐश इशरत विच डुब गए, देश की रक्षा करनी भुल गए, इसे करके सब होया। तो हुण उह मालक की कला वरतेगी। ये जिहड़े आए हैं नवे हथियारे नवे इनवेडर्स हमलावर आन अठत्तर जान संतानवे, इन्हां नूं जाना पएगा। और इन्हां तों बाद होर भी उठ सी मर्द का चेला, एक होर मर्द सूरवीर पैदा होएगा। हुण गल आ रही सी जाका दृष्ट कछू ना आवे, इत्थे जो इतिहासक वर्णन हैं जो अर्थ किए हैं टीकेकारा ने उस है शेर शाह सूरी का नाँ है मर्द का चेला। तो शेर शाह सूरी बिहार का पूर्वी भारत के बिहार प्रांत का रहने वाला सी, ससराम उहदा मकबरा हुण भी बनया होया। तो वह कहिंदे शुरू विच उहदा अपनी माँ बेचारे की मर गई तो मतरेई नाल उहदी लगदी नहीं सी, वह घरों एक तरह का भजया ही रहिंदा सी, पर मालिक ने ऐसी कृपा की वह फिर इतना ताकतवर बन गया। पहला वह सिपाही बनया, फिर वह फौजदार बनया, फिर वह बंगाल बिहार प्रांतों का मालिक बन गया। और उसने जिहड़ा बाबर का पुत्र सी हुमायूं उस नाल लड़ाई करके उसनू खदेड़ दिता, उन्हें देश तो भजा दिता। तो यह भी होंदा कि जिन्हों कोई जानता ही नहीं उन्हों का सब पास ना है। और हुण वह हुमायूं इतना जबरदस्त अपना शेरशाह इतना जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर सीगा, उन्हें बहुत वधिया प्रबंध किया। उन्हें थोड़ा उन्हें 5 साल राज करने का टाइम मिलिया सारा, पर 5 सालों में उन्हें बहुत अच्छे काम किए, जमीन के सुधार किए। राजा टोडरमल जिहड़ा बाद विच अकबर के दरबार में सेवा की, जिन्हें अकबर के 9 रत्नों विचों सी, यह शेर शाह ने इंप्लॉय किया सी चुन के। इस तरह जिहड़ी ग्रैंड ट्रंक रोड है GT रोड
इदां हुण वी शेर शाह सूरी रोड कहिंदे आ उसने बणवाई सी शुरू विच। तो जिस नूं पता ही नहीं कुछ, तो राजे महाराजे जिन्हां दा नां है वह कई बार खत्म हो जाते, तो जिहड़ा बिल्कुल अनजाणा मनुख है वह प्रगट हो जाता। यह भी उदा हुंदा, ऐसी दी लीला वरतदी है, संसार का इतिहास इस गल का गवाह है। जाको अपनी करे बख्शीस, ताका लेखा ना गने जगदीस। फिर जिदे उत्ते उदी मेहर हो गई, क्योंकि असी सारे ही गुनाहगार हाँ, सारिया कोलों ही भावें शरीरक तौर पर प्रगट तौर पर असी कई बार लोगों के सामने कोई माड़ा काम करन तो झिझकते हाँ, पर मन करके असी कितने साफ हाँ। भाई साहब भाई गुरदास जी कहिंदे ने अपने हाथ आरसी आपे ही वेख है, भी अपने मन का शीशा तुहाडे अपने कोल है, अपने अंदर झाती मार के वेख लो हाउ प्योर यू आर, कितने तुसी साफ हो, अंदर कितना तुहाडा चानण है। तो जे मैं अपने बारे कहां कि अनेक माड़ी सोच, अनेक पापां की सोच मन विच आउंदी है, सहज ही आ जाती है। तो इस करके जो मन विच पाप की सोच आ गई तो मनुख पापी हो गया, भावें वह करे ना करे। इस करके जे वाहिगुरु की कृपा हो गई ऐसे अपराधी पापी मनुख ते, तां का लेखा ना गने जगदीश, उहदा हिसाब फिर परमेश्वर के द्वारे ते नहीं हुंदा। यह भी एक वैसे कर्म थ्योरी, कर्म सिद्धांत नूं सारे भारतीय दर्शनां ने मन्निया है, बाणी विच भी आया है कि ददा दोस ना देउ किसै दोस करमा अपणिआ, जो मैं किया सो मैं पाया, दोस ना दीजै अवरजना। जो तुसी करोगे उहदा फल पाणा पएगा। पर इस तों उपर भी एक बख्शिश दा सिद्धांत बाणी च आया है कि कितने भी पापी अपराधी वह भी गुरु की बख्शिश द्वारा उहनां दा पार उतारा हो जांदा है। सतगुरु फरमाउंदे आ नासा राग विच, महा बिखादी दुष्ट अपवादी ते पुनीत संगारे, जन्म पवंते नरक पड़ंते तिनके कुल उधारे। कोई न जाने कोई न माने ते प्रगट हर द्वारे। तो वड़े वड़े अपराधी गुनाहगार लोग भी पाले बन गए गुरु के चरणों नाल जुड़ के, जिन्हां ने जन्मां मरना दे गेड़े विच पैना सी, नरकां विच जाना सी, उन्हां दे कुलां दा उधार हो गया। जिन्हां नूं कोई नहीं सी जानदा, कोई नहीं सी समझदा, जिहड़े बिल्कुल ही नीवें सीगे, ते प्रगट हर द्वारे, वह गुरु के द्वारे ते प्रगट हो गए। फिर जैसी वार विच पातशाह कह रहे हैं, जैसी राग विच गुरु अर्जन देव महाराज, जिनको कृपा करी जग जीवन हर उर तारियो मन मांजा, धर्म राय दर कागद फारे जन नानक लेखा समझा। जिन्हां उत्ते उस वाहिगुरु की बख्शिश हो गई, कृपा हो गई, और इस कृपा के नाल उन्होंने अपने मन विच परमेश्वर के नाम नूं वसा लिया, ते दरगाह विच भी धर्म राज की कचहरी विच उन्होंने माड़े कर्मां का हिसाब खत्म हो गया, फट गए कागज सारे। तो इस तरह नाल करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार, ये मूल सिद्धांत जपजी साहब विच आए हैं बाणी दे गुरमुख दे, कि जिहड़ा अपने कर्मा करके असी जन्म प्राप्त किया परमेश्वर की बख्शिश द्वारा उसका पार उतारा हो सकता है, सारे कर्म जिहड़े खत्म हो सकते हैं। गुरु अर्जन देव महाराज, गुरु नानक पातशाह का ये विचार, पवित्र विचार पहला भी आपां एक बार दृढ़ किया सी कि सारे दे सारे पाप जिहड़े हन वह खत्म हो सकते हैं। जिस तरह एक माचिस की तीली नाल लखां मण लकड़ां सड़ के सुआह हो जांदियां, इस तरह वाहिगुरु के सिमरन द्वारा साढ़े सारे करोड़ां पाप खत्म हो सकते हैं। वैसे लेखे नाल असीं छुट नहीं सकते, पर उसकी बख्शिश द्वारा छुट सकते हैं। सो असीं उसदे बख्शिश के पात्र बनीए, उसकी रहमत नदर करम के पात्र बनीए, ऐसी अरदास करिए कि सतगुरु साढ़े ते रहम कर, असीं अपने गुनाह करके पापां करके नहीं बच सकते, तेरी बख्शिश ही सानू बचा सकती है। जियो पिंड सब तिसकी रासो, घट घट पूरन ब्रह्म प्रगास। असल विच साडा मूल जो है वो रब्बी है, वी हैव गॉट ए डिवाइन एलीमेंट, एंड द डिवाइन एलीमेंट इज द बेस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, कि साडा जो मूल है उहदा आधार रब्बी है, परमेश्वर का है। तो सारिआं विच, सारे शरीरां विच उस दी पूंजी है, नाम दी पूंजी है। तो जे वह प्रगट कर दईए
ते फिर घट पूर्ण ब्रह्म प्रकाश फिर सब जगह उस वाहिगुरु का प्रकाश नजर आएगा। तो भावें माड़े तो माड़ा पापी तो पापी मनुख भी है उहदे हिरदे विच भी परमेश्वर दे नाम की चिणग है। बस चिणग नूं प्रगट करन दी लोड़ हुंदी है। एक चिणग का वजूद कितना क हुंदा पर उही चिणग जिहड़ा है वह चिंगाड़ा बन जाती है भांबड़ बन जाती है तो चौं पासे प्रकाश कर सकती है। तो इस करके जो शरीर है भावें उपरों हड्डियां चमड़ी मास मिज का बनया होया पर इस विच परमेश्वर ने सच्चे नाम की जोत टिका के रख दिती है। भाई साहब भाई गुरदास जी अपनी पहली वार की दूजी पौड़ी इस मनुख की शरीरक रचना बारे कहते हैं, रकत बिंद की देह रच पंच तत् की जड़त जड़ाई पौन पानी बै संतरो चौथी धरती संग मिलाई। ये सारे का सारा कथन जो बायोलॉजी दी शरीर शास्त्र दी जीव शास्त्र दा विज्ञान उहदे अनुसार ही है कि शरीर नूं रकत बिंद पिता दे खून पिता दे बिंद वीरज अते मां दे खून तो उसने पैदा किया। इहदे विचों देही दी रचना कीती फिर पंज तत् की जड़ जड़ाई फिर ये पंज तत् जिहड़े हन अग पानी मिट्टी हवा ते आकाश। पिछले दिन मैं पढ़ रहा सी कि शरीर दे विच इतना आकाश है इतनी खाली थां है कि जे असी एक सैल नूं एक सैल दा आकार जिहड़ा है उसनों एक सेब दे बराबर मान लईए तो अगला सैल जिहड़ा है वह हज़ार दो हज़ार किलोमीटर की दूरी ते होएगा। इतना इस शरीर दे विच आकाश है भाव खाली थां है। ये विज्ञानी भी मनते हैं शरीरक विज्ञान नूं जानन वाले कि हरेक सैल दे विच वित हुंदी है। तो ये साढ़े शरीर विच उसने आकाश भी पैदा करता है स्पेस भी पैदा करती ये सारे पंज तत् उसने आप रचे। फिर पौन पानी बैसंतरो हवा पानी अग ये साढ़े शरीर विच पाता चौथी धरती संग मिलाई नाल धरती भी मिलाई। पंचम विच आकाश कर करता छठम आदेश समाई फिर वह आकाश रूप विच आप आके बैठ गया। आकाश भी पैदा किया पंजवा और छठा आप अदृष्ट आके समा गया भाव उहदी जोत साढ़े शरीरां विच रमी हुई है और उहदी जोत करके सब मैं जोत जोत है सोए तिस दे चान सब मैं चान होए। उहदी जोत करके साडा जीवन है जो असी खांदे पींदे हसदे खेडदे वरतदे बैठदे हाँ ये सब उहदी जोत का दिशकारा है प्रगटावा है। तो मूल रूप इस उहदी जोत है तो उस जोत नूं जे उस परम जोत नाल जोड़ दईए जे आत्मा नूं परमात्मा नाल जोड़ दईए और जोड़न दे साधन हन साढ़े सतगुरु जी सतगुरु दी सरण विच जा के असी उस जोत दा जो प्रगटावा करना शुरू कर दईए तां सारे साढ़े अपराध ते गुनाह खत्म हो सकदे है ते साडे विच नाम दा प्रकाश हो सकदा है सानू ज्ञान हो सकदा है। तो सारे संसार विच सारे शरीर विच वरत रहा है। अपनी बनते आप बनाई नानक जीव है देख बढ़ाई ये सारी ही बनत उसकी अपनी बनाई हुई है। वो एक मिनी गॉड हो के साडे अंदर भी वसया होया और किसी हद तक मनुख भी एक मिनी गॉड है क्योंकि इस विच भी परमेश्वर की शक्ति है। बस ये शक्ति जिहड़ी है डिवाइन पावर इस नूं डिवेलप करना है इस दी एवोल्यूशन दी लोड़ है। तो उस फिर गुरु के चरणों का आसरा लेना पैंदा है कि गुरु पातशाह विचोले की तरह काम करते हैं साड़ी अपनी जिहड़ी इंडिविजुअल लाइट है उसनू उस परम जोत दे नाल मिला देंदे हैं। सो इस तरह नाल वो वाहिगुरु उहदी सारी दी सारी जो रचना है उस विच उहदी जोत दा प्रकाशमान है ते ये प्रकाश मनुख दे विच सब तो ज़्यादा विकसित है। ते जदों मनुख गुरु दे चरणां नाल जुड़ के इस जोत दा प्रकाश करना शुरू कर दिंदा फिर उहदे अंदर चानण आ जांदा इतना चानण आ जांदा कि बाणी कहिंदी है कोट सूर जागो प्रकाश करोड़ां ही सूरजां वर्गा चानण अंतरात्मा विच जाग पैंदा उसनूं सब सोझी आ जाती है उन्होंने सारे ब्रह्मंड का भी ज्ञान हो जाता।
ऐसी अंतरात्मा भी जाग आ जाती है, फिर उन्होंने कोई परम भुलेखा नेड़े नहीं लगता। सो ऐसी ही गुरमत की जीवन जाच है, गुरमत की भगती है, साधना है, जो वाहिगुरु की रचना का पसारा है और उसकी जोत का पसारा है। उसका जिक्र बाणी कई थावां ते आया है। आसा दी वार शुरू विच पातशाह फरमाउंदे हन, आप ही ने आप साजो, आप ही ने रचो नाम, दुई कुदरत साजी है, करे आसन डिठो चाव। उस वाहिगुरु ने अपने आप नू अपने तो ही बनाया, फिर आप ही उसने संसार की रचना की, सृष्टि की रचना की, अपने नाम की अपन वड्याइया की रचना की, फिर उस सृष्टि की रचना करके कित चला नहीं गया, कर आसन डिठो चाओ। वो अपना आसन जमा के बड़े उत्साह के नाल, बड़े खेड़े के नाल इस सृष्टि के विच ही बैठा होया। दाता करता आप तू तुस देवें करें पसाओ। तो जे असी गुरु द्वारा वो जुड़न लग जाइए, उदी शरण भी चले जाइए, तो वह दाता भी है, जड़ा करता है वह दाता भी है। तो सब तो वड्डी दात उदे नाम की दात है, तो वह नाम की दात तुस देवें करें पसाओ। वह किसी उत्ते बख्शिश करता है, त्रुट के उन्होंने नाम की दात दिंदा है, तो वह नाम की दात द्वारा मनुख वरोसाया जाता है, सरसार हो जाता है, भरपूर हो जाता है। तू जानो ही सब सै दे लैसै जिंद कवाओ, करे आसन डिठो चाओ। वो तो फिर सारिया नू जानदा पिया, वो तो घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाणत, ते वो आप ही जिसने जिंदगी दित्ती, वो आप ही जिंदगी नू लैण वाला भी है। पर अखीर जीवन का उद्देश की है कि जो जोत साडे इस नासमान शरीर विच उसने रख दित्ती है, वो जोत अमर स्वरूप है, वो सद जीवन है। उस जोत दे लड़ लग के असी अपना नाशमान जीवन जड़ा है उसनू अमर पद दी प्राप्ति लई वरतना है। असी जीवन भर ऐसे कार्ज करने हन कि जिदे नाल सानू सदीवी जीवन प्राप्त हो जा सक होवे, ते सदीवी जीवन दी प्राप्ति गुरु दे चरणां नाल लग के हो सकदी। सो इस करके उहदे नाल जुड़ के सदीवी जीवन, सदीवी सुख, सदीवी आनंद की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा मनुख का जीवन आदर्श है। करनी करके तो मनुख बहुत नीचा नीम है, नीचा है, नीच है, कुकर्मी है, पर गुरु की बख्श द्वारा इस विच डिवाइन लाइट प्रकट हो जाती है और फिर अपनियां सारियां कमजोरियां ते जित प्राप्त करके सदीवी तौर पर परमेश्वर दियां चरना कामना विच समा जाता, सदीवी जीवन प्राप्त कर लैंदा है। तो सारी ही पौड़ी, सारे ही पद की विचार है अंग्रेजी विच, इन एन इंस्टेंट द लोली वॉम इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ किंग, द सुप्रीम लॉर्ड गॉड इज द प्रोटेक्टर ऑफ द हम्बल, इवन वन हु हैज नेवर बीन सीन एट ऑल बिकम्स इंस्टेंटली फेमस इन द 10 डायरेक्शंस, एंड दैट वन अपॉन होम ही बेस्टोज हिज ब्लेसिंग्स द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड डज नॉट होल्ड हिम टू हिज अकाउंट, सोल एंड बॉडी आर ऑल हिज प्रॉपर्टी, ईच एंड एवरी हार्ट इज इल्यूमिनेटेड बाई द परफेक्ट लॉर्ड गॉड, ही हिमसेल्फ फैशनड हिज ओन हैंडीवर्क, नानक लिवस बाई बिहोल्डिंग हिज ग्रेटनेस। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।